फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो को लास्ट तक देखने में ही आपको पता चल पाएगा कि अमेरिकन बुली माइक्रो साइज़ इतने एक्सपेंसिव क्यों हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डॉग ब्रीड्स। हेलो बुली लवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सोटिक पेट वर्ल्ड में। इस वीडियो को आप जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये वीडियो आपकी जैसे भाइयों तक दूर दूर तक पहुंचे। ये वीडियो अमेरिकन बुली माइक्रो साइज के ऊपर है, पॉकेट साइज भी आप कह सकते हैं, माइक्रो पॉकेट साइज दोनों के ऊपर ये वीडियो है। आज इस वीडियो का जो मेन रीजन बनाने का वो ये है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ये इतनी ब्रीड एक्सपेंसिव क्यों है। बाकी तो ब्रीड 10,000 8,000 में स्टार्ट हो जाती हैं, ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है? लाख लाख में भी जाती हैं, दो दो तीन तीन लाख के भी डॉग्स आते हैं। सब ब्लड लाइन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा, ये डॉग का जो मेन फीचर है वो है एग्जॉटिकनेस। जितना एग्जॉटिक और जितना शो इसके फेस पे, इसकी बॉडी पे है, मेरे को नहीं लगता किसी और ब्रीड में ये चीज़ है। हर ब्रीड अपने अंदर एक कमाल की ब्रीड है, बट इनकी जो यूएसपी है, इस ब्रीड की जो यूएसपी है वो ये है कि ये बिल्कुल छोटे साइज में फीचर्स एक बहुत ही हैवी डॉग के रखता है। जितना छोटा साइज है इसका उतने ही हैवी फीचर्स हैं। अगर आप एक पग को कंसिडर करो तो उसका छोटा मुंह होता है, छोटी टांगे होती हैं, हर चीज छोटा छोटा होता है, बट ये डॉग छोटा है। बट इसके बोन साइज देखिए, इसका मजल देखिए, इसका हेड देखिए, बहुत ही ब्रॉड है, एक हाथ में आता भी नहीं है। तो ये एक यूनिक डॉग है। इसका जो शो है इस डॉग का, वो इसका लुक है। और अगर इसका एग्जॉटिक लुक नहीं होगा तो इस ब्रीड का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना ही ये अटैकिंग ब्रीड है, ना ही ये किसी को डिफेंड करता है, ना ही कोई प्रोटेक्शन देता है, ना ही कोई फाइट करने में यूज होता है, ये सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। ये एक एग्जॉटिक डॉग है जो आप शो कर सकते हैं दूसरे लोगों को। अब इनकी एक्सपेंसिव क्यों है और दूसरी ब्रीड से क्या फर्क है इसके अंदर, ये तो आप लुक से पहचान ही रहे होंगे कि लुक में इसका क्या मेन इसकी यूएसपी है। बिल्कुल पंच फेस आप देखिए ना, एक सिंगल फिंगर मजल है इसका, रिंकल्स हैं, ईयर्स क्रॉप्ड हैं, ब्रॉड हेड है, डोम है, ग्रिथ है। मैं आपको क्या बताऊं इस चीज के बारे में, आप लोग खुद ही आपको देख के, इसके फेस में एक अट्रैक्शन है जो मुझे नहीं लगता किसी और ब्रीड में इतना अट्रैक्शन रहता है। जब पपी होते हैं तो सबको पपीज बहुत अच्छे लगते हैं। पपीज होने के साथ साथ जैसे ही वो बड़े होते जाते हैं, वो उसमें वो अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है। बट ये डॉग एक ऐसी ब्रीड है, ये पपी में जब छोटा होता है और जैसे जैसे ये अडल्ट होता जाता है, इसकी ना स्वीटनेस, इसकी एग्जॉटिकनेस, यूएसपी जो है वो सब कुछ इंक्रीज होता जाएगा। मतलब ये आपके लाइफ में कभी भी कोई एक ऐसा पॉइंट नहीं आएगा कि आप इसको बोल सके कि यार अब ये अगली लग रहा है। इसकी स्वीटनेस इंक्रीज होती ही जाएगी जैसे जैसे ये बड़ा होगा, ये इसकी सबसे खास बात है। अब कंपेयर अगर आप, वैसे तो मैं कंपेयर कभी करता नहीं हूँ किसी दो दो अलग अलग ब्रीड्स को, मगर अब मैं आपके कहने पे कंपैरिजन में आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सपेंसिव है क्यों। अगर आप यूएस का कोई ब्रीडर का गेम फॉलो करते हो, अमेरिकन बुली का, तो आप एक देखेंगे कि इसमें ना, इस ब्रीड में डिविएशन बहुत ज़्यादा है। मतलब एक्सेल भी है, एक्सएक्सएल भी है, साइज तो खैर है ही, फीचर्स में भी बहुत डिविएशन है, फॉन्ट्स में भी बहुत डिविएशन है। मियागी ब्लड लाइन जो थी वो बिल्कुल क्लीन फेस बुली था, फिर अमेरिकन बुली में ही थोड़ा सा करेक्शन आया और लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग थोड़े चेंजेस आए, बेब ब्लड आया। बेब ब्लड में आपने ये देखा होगा, रिंकल्स आ जाते हैं फेस पे, मसल साइज और छोटा हो जाता है, बॉडी में कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाती है,
टांगे हाथ पांव और छोटे हो जाते हैं, मतलब इन कंपैरिजन टू मियागी वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट होते हैं। फिर आप किसी और ब्लड लाइन को कंपेयर कर लीजिए, बिटकॉइन को आप कंपेयर कर लीजिए, बुलसेस को कंपेयर कर लीजिए, या जितनी भी एक्स वाई जी ब्लड लाइन्स हैं उन सबके जो ब्रीडर्स हैं उस लोग ने ना अपने अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए अपनी ब्रीड में एक अपना स्टैम्प दे दिया है। ये अगर आप पूछें कि इंटरस्टेट बुलीज का क्या फीचर्स होते हैं, तो उनका कॉम्पैक्टनेस, उनका बेब जो है वो कॉम्पैक्ट है, साबू है, कॉम्पैक्ट है, वो आपको बता देख के आप डॉग बता सकते हैं कि ये किस ब्लड लाइन का है। उनकी ब्लड लाइन से उनके ओनर्स का पता चलता है। अब इंडिया में ये अभी 2-3 साल 4 साल से ये डॉग्स आने स्टार्ट हुए हैं, ब्रीडिंग बहुत ज़्यादा होती है इनकी, मगर लोगों को इतना आइडिया नहीं है। 99% लोग इसको पिटबुल समझते हैं। क्यों? क्योंकि लोग एथिकल और अच्छी ब्रीडिंग नहीं करते हैं। अगर आप बुली और पिटबुल की मेटिंग कराएंगे तो कहाँ से आपको एक एग्जॉटिक अमेरिकन बुली इस टाइप का मिलेगा? नहीं मिल सकता आपको। क्यों? क्योंकि ब्रीडिंग के अंदर जितनी इम्पोर्टेंस मेल की रहती है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस फीमेल की रहती है। फीमेल एक आपका जैकपॉट है। अगर आप अच्छी ब्रीडिंग कराना चाहते हैं तो फीमेल का होना, एक अच्छी लाइन से, एक अच्छे फीचर्स होना उसमें बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। एक लैब्राडोर से मैं कंपेयर करता हूँ, बहुत कॉमन ब्रीड है, 8,000, 10,000, 12,000, मैक्सिमम 25,000 में इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब मैं उसको इससे कंपेयर करता हूँ। जब लैब्राडोर की फीमेल मेटिंग के लिए आती है तो मोस्टली लैब्राडोर्स की, मेरे को नहीं लगता 25-30,000 से एक्सपेंसिव कोई स्टड फीस होती होगी, या मैक्सिमम 50,000। बहुत ही अच्छी लाइन का कोई हो, अगर सनी कोचर की लाइन का कोई अगर आप डॉग कंपेयर करें तो 50,000 मैं समझता हूँ कि एक स्टड फीस है लैब्राडोर डॉग की। बट आप इसकी, अगर आप अमेरिकन बुली की अगर आप ब्रीडिंग स्टड फीस के बारे में आप थोड़ी सी नॉलेज गेन करिए, बेप ब्लड लाइन की अगर मैं कहूँ मिनिमम 5,000 स्टड फीस है, और बहुत अच्छी क्वालिटी की फीमेल होगी तो 10,000 भी स्टड फीस होती है उसकी। ये आप डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कहाँ 50,000 रुपीज और कहाँ 10,000 डॉलर्स बहुत हो गया। इंटरस्टेट बुलीज जो यूएस में सबसे पॉपुलर ब्रीडर है, लुइस, अगर उसकी आप बात करते हैं, उनका जो स्टड है बेब, बेब की स्टड फीस जो है वो 10,000 डॉलर्स है। तो उसके कंपैरिजन में अगर आपको इंडिया में 1.5 लाख में स्टड फीस मिल रही है तो वो कोई एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि ये ब्रीड ही इतनी एक्सपेंसिव है कि आपको अगर एक्जॉटिक लुक नहीं मिला इसके अंदर तो इसका कोई एग्जिस्टेंस का फ़ायदा नहीं है। ये एक नॉर्मल डॉग बन के रह जाएगा। आपने जो इतना टाइम इसको दिया, इतना पैसा लगाया, वो सब वेस्ट चला जाएगा। अब आते हैं इनके पपीज़ के बारे में। मैं इंडिया की ही बात करूँगा। इंडिया में अगर आप एक लैब्राडोर फीमेल कंसीव करती है तो उसकी कंसीव से लेके डिलीवरी तक का जो खर्चा आता है मेरे हिसाब से 5,000 या 6,000 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं आता। मगर अगर आप एक अमेरिकन बुली को कंसिडर करें तो मैं आपको एक पॉइंट्स में मैं गिनवाना चाहूँगा। एक तो स्टड फीस एक्सपेंसिव है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जब फीमेल कंसीव हो जाती है और 62 डेज बाद डिलीवरी देने का टाइम आता है, क्योंकि इन डॉग का हेड साइज इतना बड़ा होता है कि एक नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती, जो बाकी सब ब्रीड्स में नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। इसमें आपको सी सेक्शन कराना पड़ेगा, वो डॉक्टर करेगा प्रोफेशनल, वो आपसे चार्ज लेगा। अगर आपके 5 to 7 लीटर हुआ तो शुरुआत में तो ये मदर मिल्क पे रहते हैं, उसके बाद आपको इनको सरलैक देना पड़ता है। एक सरलैक का डब्बे का कॉस्ट आता है 210 या 220 रुपीज़।
5-7 बच्चों में मेरे ख्याल से नहीं, मेरे को लगता है 2 दिन में एक डब्बा फिनिश हो जाता है। और एक लैब्राडोर को जब तक वो एक कस्टमर के पास जाता है 35 to 40 days में वो एक रेडी डॉग हो जाता है कि वो कस्टमर के पास चला जाए। मगर ये अमेरिकन बुली 75 days से पहले आपके पास आ ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी एक और मेजर चीज़ होती है, वो है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग 45 days से पहले नहीं हो सकती, क्योंकि पप बहुत छोटा रहता है, ब्लड लॉस का बहुत चांस रहता है। तो 75 days तक उसकी फीडिंग, उसकी क्रॉपिंग, सी सेक्शन, फूडिंग की कॉस्ट, स्टड फीस की कॉस्ट, अगर आप ये सब कैलकुलेट करें तो इट इज़ मोर देन 20-25 thousand। एक पप की मैं बात कर रहा हूँ, एक सिंगल पप की ये एक कॉस्टिंग आती है एक ब्रीडर को। मैं एक एवरेज बता रहा हूँ, बहुत अगर आप एक्सपेंसिव स्टड लेंगे तो उसमें कॉस्टिंग और इन्वॉल्व हो जाएगी, मगर मैं एक नॉर्मल पप की बात बता रहा हूँ, 20-25 thousand उसको ब्रीडर को कॉस्टिंग पड़ती है, उसको रेस करने में 75 days तक पहुँचाने में, वैक्सीनेशन अलग से है उसका, तो कैसे आपको कोई सस्ता दे सकता है। यही एक मेजर डिफरेंस है जो लोग समझना नहीं चाहते, उनको लगता है कि इसके घर में पप्स पैदा हुए हैं तो फ्री में बटने चाहिए। कैसे बटेगा, कैसे बटेगा आप बताइए। ये कॉस्टिंग सब हम अपनी जेब से पे करते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं वो कोई हमारे रिश्तेदार नहीं है कि हमारे लिए सब कुछ फ्री कर देते हैं। मेटिंग तक इनकी आर्टिफिशियल होती है 99% में, और वो भी एक प्रोफेशनल बंदा करवाता है, उसका भी एक चार्ज होता है। ये जो चीज़ें हैं ये एक नॉर्मल ब्रीड में नहीं होती। नॉर्मल ब्रीड को अगर आप तैयार करना चाहेंगे तो बहुत ही कम पैसों में तैयार हो जाती है, तब भी मेरे को नहीं लगता 7000-8000 से कम। अगर इससे कम में कोई आपको दे रहा है तो वो ये 5-6 चीज़ों में से कुछ ना कुछ स्किप कर रहा है, वरना कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि 25,000 रुपये लगा के 15,000 रुपये का आपको दे देगा, अपनी 10,000 रुपये का नुकसान सह लेगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करिए, ये एक एग्जॉटिक ब्रीड है, ये हर एक के लिए नहीं है। आप ये मत सोचिए कि नहीं ये मेरे को रखनी रखनी है, आप अपने घर की सिचुएशन देखिए, अपने फाइनेंशियल स्टेटस देखिए, तब आप एक ये ब्रीड रखने का सोचिए। अगर आपको एक नॉर्मल डॉग चाहिए तो आप कोई भी ले सकते हैं, मगर मुझे नहीं लगता अगर आपको जिस टाइप का डॉग मैंने आपको दिखाया एग्जॉटिकनेस में अगर आप जाना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास दुनिया का सबसे बेस्ट डॉग है, बट अगर इसके आसपास का या इससे अच्छा डॉग आप लेना चाहते हैं देन स्काई इज़ द लिमिट इन दिस ब्रीड ब्रदर। इसमें कोई लिमिट नहीं है पैसों की, आपको 5 lakhs तक का भी अगर कोई डिमांड करता है तो आप उसके मदर फादर देखिए, आप उसकी ब्रीडर की रेपुटेशन देखिए, उसका नाम चेक करिए, तब आप ये चीज़ परचेज करिए, वरना फ्रॉड होने वाले के लिए, फ्रॉड करने वालों का ना कोई धर्म ईमान नहीं होता। 5,000 के कुत्ते को भी वो आपको 50,000 का बना के बेच सकते हैं, मगर फिर आप ये मत बोलिएगा कि 2 lakh की चीज़ क्यों बेच रहा है कोई, क्योंकि इसमें कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हर एक ब्रीड का उसकी मेटिंग, उसकी स्टड फीस से रिलेशन है, उसके जो फोर फादर्स हैं वो क्या हैं, उसमें जो लाइन चल रही है वो क्या है, ये बहुत मेन इम्पोर्टेंस रखती है। किसी और ब्रीड में आपको इतना डिविएशन नहीं मिलेगा। अगर रॉटवीलर में रिंकल्स आ जाएं तो वो रॉटवीलर नहीं कहलाएगा, मगर इसमें क्लीन बुली भी मिलेगा आपको और विद रिंकल्स भी मिलेगा। इस ब्रीड में बहुत डिविएशन है, इसका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसके कोई सेट पैरामीटर्स नहीं है, इसीलिए ये ब्रीड KCI में रजिस्टर्ड नहीं है। ये एक एग्जॉटिक ब्रीड है, एक कस्टमाइज्ड ब्रीड है लोगों के लिए। कुछ लोग एग्जॉटिकनेस को प्रेफर करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। ये एक रेगुलर डॉग नहीं है कि आप इसको रोज़ सड़क पे ले जाएं और छोड़ दें, ये वो चीज़ नहीं है। इसका केयर, इसकी मेंटेनेंस, इसकी सब चीज़ बहुत हाई है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों ये डिफरेंस
क्रिएट करता है बाकी और सारी ब्रीड से। बाकी और मैं आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना चाहें उतना आप शेयर करिए, ताकि लोगों तक ये चीज़ पहुँचे और किसी भी ब्रीडर से वो बहस ना करें या उनसे बिना बात की आर्ग्यूमेंट ना करें कि ये क्यों एक्सपेंसिव है क्यों नहीं एक्सपेंसिव है। होमवर्क करिए, जानिए पहले ब्रीड के बारे में और उसकी एक्सक्लूसिवनेस के बारे में, तब आप किसी भी पॉइंट को रेस करिए। थैंक यू।